राशन का ट्रक सदा विचो बाहर नहीं जाएगा। तो मानो या न मानो जब्बार से राणा साहब ने आटा चीनी घी को गोदाम के अंदर बंद कर दिया। इसका पीछे हमको जरूर कोई चक्कर लगती है। समद खान, राणा साहब का दिमाग एक कंप्यूटर है जरा हमेशा साढ़े फायदे का ऐलान करता है। मैनू यकीन है समद खान, इस बार राणा साहब की सोच का पंछी सोने चांदी के किसी बड़े ढेर से बैठेगा। तुम बिल्कुल ठीक बोलती लाले जी जान, बिल्कुल ठीक बोलती। रैना साहब मखलूक खुदा का दुश्मन और हमारा दोस्त है। अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज, अटेंशन। मैं जानता हूं कि राशन में गोदाम स्टार्ट कराना एक सवाल है जरा मेरे दोस्तों की सोच के दरवाजे उत्ते दस्तक दे रहा है। माय डियर फ्रेंड, चंद रोज तक हुकूमत नवे बजट का ऐलान कर रही है। तो तुम जानते हो कि नवे बजट हमेशा गरीब होर गरीब के सरमायदार और अमीर बना दिता जाता है। इसलिए नवे बजट के ऐलान तो बाद असी अपना माल दुगना मुनाफा से बेचांगे, दुगना मुनाफा से। फिर असी नफा कमावांगे कि इस मुल्क के गरीब लोग मातम करेंगे मातम। जब भुख का नाम आवाम नु तंग मारेगा, आवाम आवाम सड़क से निकल आएंगे, नाराबाजी लाएंगे, नाराबाजी। इस तरह असी एक तीर नाल दो निशाने लाने कामयाब हो जावांगे। वाह राणा साहब वाह, बड़ी जहानत की दात ना देना सरासर ना इंसाफी है। तो बिल्कुल ठीक आ गया जवाब सेठ, शैतान नु किसे वेले गुरु की जरूरत पै जाए ते उन्हें तेरे तो बड़ा गुरु किधरे नहीं मिल सकता। खुदा ना सेब, खुदा का कसम तुम आफत का बच्ची, आफत का बच्ची। तुम नसवार से ज्यादा तेज और रॉकेट से ऊंचा उठती है। तारीफ करने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैनेजर नु बुलाओ, असी अपने पुराने गाका नु
नवे असूल के बारे च कुछ दसना चाहने हैं। मैनेजर साहब, तुहानू राणा साहब ने याद किया है। क्यों, की गल है सर? ये तो मैंने भी पता नहीं सर। अच्छा मैं चलना। जी रहने सर, तुसी मैंने बुलाया। हाँ अब्दुल्ला, अनाज के सारे व्यापारियों को खत भेज दे, नवे बजट के ऐलान तो बाद ही असी माल सप्लाई करांगे। लेकिन सर, तुसी अनाज की सप्लाई बंद कर दी तो लोग भुखे मर जाएंगे। अब्दुल्ला, साडे वालों सारा शहर मर जाए, पर तू हौसला रख, तेरे घर अनाज की कमी नहीं होगी। मैनू मेरी गरज की कब्र दफन न करो राणा साहब, तुसी इस शहर की जमीन ते महंगाई की फसल उगा के गरीब को लफाकियां की कटाई कराना चाहते हो? ये जुल्म है राणा साहब, ये जुल्म है। अब्दुल्ला, ये जुल्म नहीं, साडा कारोबार है कारोबार। ये न भूल कि तू साडा मुलाजम है, गुलाम है, ते हर गुलाम नू अपने आका दा हुकुम अखा बंद करके कबूल करना पैंदा है। नहीं राणा साहब, नहीं, मैं तुहाडा नहीं, अपनी जरूरतों का गुलाम। जे मैनू पता होंदा कि मेरे मालिक गरीब के मुंह का लुकमा खोण वाले ने, ते रब की सौ मैं इस मुलाजमत नू बहुत पहले ठोकर मार देनी सी। अब्दुल्ला, नहीं 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 राणा साहब, झगड़ा करना कोई अच्छा बात नहीं, कोई बदकिस्मत भूखा मरेगा हमारे दरवाजे पे आके नाक रगड़ेगा तो जाओ जाओ, तुमको हमने नौकरी से बर्खास्त किया, जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, एक गल याद रखना, अपने रब को रिजक मंगन वाला किसे राणे किसे चौधरी ते किसे खान का मोहताज नहीं होता। बंद 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 करो खानिया, यहां से चली जाओ, उसक बोल के तुम लीडर नहीं बन सकते, जाओ। मैं ते जा रहे हैं समद खान, पर एक गल तुसी सारे कन खोल के सुन लो, एक दिन तुहानू सच बोलना ते सच सुनना पड़ेगा, और अगर ऐसा ना होया ते फिर ना तुहानू वक्त माफ करेगा ना इस मुल्क की गरीब आम। नमक हराम दा तो जिंदा बच के चले जाना, छोटे बड़े पन ले चैलेंजे चले। ऐसी कोई गल नहीं जबाल सेठ, जबाल सेठ ठीक कहना राणा साहब, साडे खिलाफ जुबान खुलन आने की सजा पाते। होश करो दोस्तों, होश करो, ये कोई कीड़ा चढ़दिया चढ़दिया कभी के कालर तक पहुंच जाए, उंगली की ठोकर नाल मारी है, जे गलती नाल उन्हों काले से ही मसल दईए ते ओ हराम दादा मरदिया मरदिया कोई ना कोई निशान छट जाता है। असी जानने हैं, बहुत अच्छी तरह जानने हैं कि बेरोजगारी दे थपेड़े उन्हों जल्द उन्हों जिंदा लाश बना देंगे, जिंदा लाश। खैर की है खाला, तेरे भरा भुख दी तस्वीर खान आई है, ठीक है इन्होंने अनाज की जरूरत है, जो राशन ना मिलिया तो साढ़े बच्चे भुखे मर जाएंगे। जालमा ने राशन डिपो से ताले मार दिते ने, तुहानू राशन जरूर मिलेगा, मैं तुहाडे एहतजाज ते हथौड़े नाल राशन बंदी का हर ताला तोड़ देंगा। अज मैं किसी वड्डी तो वड्डी कुर्सी पर बैठने वाले नूं
ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਮਿਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਰਾਣਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸਰ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਪ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਰ, ਜੀ 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 ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫੋਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪ ਅੱਖ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਲਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਫਿਕਰਤ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਯਕੀਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਿਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਬਦੁੱਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਹਸਤੀ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰੋਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਟੀਪੂ ਖਾਨ। ਟੀਪੂ ਖਾਨ, ਟੀਪੂ ਖਾਨ, ਟੀਪੂ ਖਾਨ! 7 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 700 ਵਾਰ ਟੀਪੂ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜੇਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਟੀਪੂ ਖਾਨ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵੀ ਖੁੱਟਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਂਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏਗਾ। ਟੀਪੂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੋਕ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਉਹ ਖਾਦੇ ਜਿੰਨੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਰਾਦਰੀ ਵੇਖਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਟੀਪੂ ਖਾਨ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਖੁਆਬ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਾਤਲ ਬਣਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮਕਤੂਲ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। Thank you.
शुक्र कर पांतरा, आज इस जेल च मेरा आखिरी दिन है। नहीं तो मैं रोज तलाश ला के तुम बदमाश तो पंच वक्त नमाज ही बना देना सी। कमाओ जा। बिस्मिल्लाह करा जी जनाब। टीपू खान साहब तुसी ते अंदर टुर गए सजे, तुसी ते नेकी दी कार करके अंदर जेल टुर गए सजे। तुहाडे जान तो बाद मैनू सारा शहर बुलाण लगा। 65 रुपए के चार मुजरे सुने ने, पर दिल नूं सुकून नहीं होया। तुहाडी आमद दे नाल लगदा मेरे भी सारे दुख मुक जाणगे। हाए बूटिया, दुख ते जवानां दे मुकद्दर हुंदे ने। चल हम डेरे चल के बाकी से दुख सुख उत्ते करा। आ जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है जवाना? टीपू खान जी, मेरा नाम अब्दुल्ला है, तो मैं थोड़े को एक फरियाद लेके आया। हाँ दस, की फरियाद है तेरी? इस इलाके के चंद सरमायेदारा ने शहर के सारे अनाज उत्ते अपनी दौलत ते ताकत का जंगरा मार दिता है। उन्हें गरीब के मुंह चो रोटी खो के अपने दस्तरखान होर वड्डे कर लेने। अब्दुल्ला, एक गल तेनू कानून के कन्ना तक पहुंचानी चाहिए सी। मैं एहतजाज बन के कानून के एक आला अहुदेदार का बुआ खड़काया सी। अच्छा, पर लगता है कानून के उस आला अहुदेदार का कद उन्हें पहुंच तो छोटा है। तो मजबूरी दे दो बोल कह के चुप हो गया। तो हूं मैं तुहाडे कोल इस वास्ते आया कि तुसी इंसानियत दी इस जंग दे सिपा सालार हो। सुनिया तुसी इंसानां दे दुख नूं अपना दुख समझ के बदले दी अग दे कई दरिया पार कीते ने। टीपू खान जी, जे होर दो चार दिन अनाज उन्हां दे गोदाम च बंद रहा ते फिर भुख दी चुड़ैल कई इंसान खा जाएगी। बस कर अब्दुल्ला, सिर्फ इन्ना दस, गरीबा के मुंह चो रिस्क खाने वाले कौन ने? राणा साहब, वाह, शहर के लोग फाकिया के पत्थर चब रहे ने, तड़े दस्तरखान की गल ही कुछ हो रही। चौधरी, मैं अपना नसीब अपनी अकल के कलम ना लिखना वा। उसे तुम बिल्कुल ठीक बोलती राणा साहब, तुम वाकई जालिम का बच्चे, जालिम का बच्चे। मेरी यह तारीफा छोड़ो ते खाना खाओ दोस्तों, प्लीज बैठो। सर, मैं अपने सामने खाना लुआया है, पता नहीं है पत्थर पे पत्थर कितों आ गए ने। ओए, मैं तेरी खल ला दिया गा, छेती दस, ए साढ़े दस्तरखान की तोहीन किने कीती है? ओ मुनाफको, मुत्तफिक का फैसला जेड़ा कल के लागू होने लिया आया, तो उस फैसले का नाम है टीपू खान। वो जान किसी टीपू खान को नहीं जानती। तुम वाकया नहीं जानती खान, अज मैं तुम अपना तारफ सेव करावगा।
इस तो पहले कि गरीब भुख भी इतो मजबूर होके पत्थर से पत्थर खान और आज तानू टीपू खान के हुक्म नाल रोटी भी खा पत्थर से पत्थर खान की तुदा करोगे इसलिए तो तानू गरीबों की भुख का एहसास हो सके। अपने लालच ते दहशत की कीमत दस टीपू खान। आवाम के राशन अपने गोदामों चो आजाद कर दियो, मन मेरी दहशत की कीमत मिल जाएगी। असि तेरी गल मनन तो इनकार करने आ। तो फिर अपनी मौत का इकरारनामा तैयार कर लो। अच मेरा बारूद थोड़े सीना उत्ते गरीबों के इहतजाज का नक्शा जरूर बनाएगा। नहीं टीपू खान नहीं, सानू तेरी गल मनने च कोई इतराज नहीं। क्यों राणा साहब? मैनेजर गोदामा के मुंह खोल के सारे शहर के डिपुआ नो राशन सप्लाई कर दियो। मैं चाह रहा राणा शेरजंग आज तो बाद फ्राइडे चो किसी सरमायादार ने गरीबों का राशन बंद किया तो मैं थोड़े खा बंद कर दियांगा। लाना ते साडे सारे आते वो साडे घर आके सानू तरी दे के सानू खौफजदा करके चला गया है। बल्दी आगे छाल मारना हमाकत है राणा साहब, जेड़ा खतरा मौत बन के ताड़ी हवेली जा सकता है। चौधरी चौधरी साहब बिल्कुल ठीक बोलती, राणा साहब बिल्कुल ठीक बोलती। आज उसका बारी था, कल हमारा बारी जरूर आएगा, जरूर आएगा। बुला तेन हजार हजार मुबारक हो, तेरी वजह नाल साडे बच्चे दी ते भुख दूर हो। मिठाई खा। नहीं बाबा जी, इस मिठाई का ऐसा लगता है टीपू खान जिदी इंसाफ की तलवार ने राणा शेरजंग के जुल्म ते ना इंसाफी का गला काट दिता। तू ठीक कहने पुत्र, पर टीपू खान सच्चाई का रास्ता भी तू ही विखाया है। ए सोनी बेटी किधरे नजर नहीं आती, यह मिठाई उन्हें यह मिठाई देनी सी। सोनी वो बाबा जी वो तो करनी है, मेरा ख्याल है अपनी किसी सहेली में मिलन गई है। सारी दुनिया दुश्मन हो जाए बंदा रह जाए कल्ला, झूठे आशिक आज कल दे हो, झूठे आशिक आज कल दे। बलिए तू दिन पछताना, कली कली रह के बलिए तू दिन पछताना। चार दिनों की खेड जवानी दिल नू की तरसाना, एवें सिद्ध पई करनी है, एवें सिद्ध पई एवें सिद्ध पई करनी है। लोगों दिया गल्ला सुन के हाय गल्ला सुन के, लोगों दिया गल्ला सुन के तू प्यार
प्यार तो डरे नहीं है, क्यों प्यार तो क्यों प्यार तो डरनी है। सलाम जी, जी मैंने लिफ्ट चाहिए तानू जी। लिफ्ट कितों दी? अमन पार्टी। अमन पार्क क्या सौ किया जी जनाब? जुलम पार्क जिते खड़ोती सी तो हूं ही नहीं अमन पार्क चलना? अमन करन दी उम्र ते नहीं। अच्छा की ख्याल है फिर? बिस्मिल्ला करो। आओ जी बिस्मिल्ला। मेहरबानी। मैं क्या जी थोड़ी मंजिल आ गई है, हम उतरो। सरा उधर गौर नाल देखो मेरी जान, सामने की है। सामने? सामने की थाना है। बस फिर अपना सारा कुछ मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं कपड़े फाड़ फूड़ के रौला पावगी ते पुलिस तेन फड़ के लै जाएगी। शाबाश जी जनाब। मैं क्या आपने ना की अजाब बिठा लिया जे? मैं क्या एक कपड़े पारन वाली गल मैं पसंद आई। बकवास बंद कर। मैं क्या दा पुत्र ये कोई जरूरतमंद हैगी बेचारी, इसकी मदद करनी चाहिए। चलो आओ तो जी तुम मैं सारी चीजा गिन के फड़ा दिया। इधरों नहीं इधर। मैं क्या जी ये चीजा तुम सारिया गिन के देनी ना, पहले थाने दर्ज करवा दिए। इस नहीं कि तू लेंदी ना भुले तो मैं देना ना भुले। नहीं नहीं तू भूल जानी मेरा ब्लड प्रेशर 340 डिग्री हो गया। किन्ना ठीक है तू अजे तक नहीं मरिया। अच्छा
इहदा मतलब है वो लड़की है जिदे खिलाफ कई शहरी थाने च रिपोर्ट दर्ज करा चुके ने। नहीं नहीं पटरी साहब, मैं लड़की नहीं। मुंह तो पई झूठ बोल दी जो ये तो मेरी जेब तो भी लगी थी हाथ साफ कर अल्लाह का शुक्र है सारा ने इतने ले आया कि आप भी बच गया कि हम मेरे नाल में भी बच ही गया। नहीं दीपू खान जी नहीं, मैंने माफ कर दिया, मैं तेरे पैर ही पहनी हाँ। आने की कोशिश है कि मेरी जुटी भी ला लवे की जा नहीं गल सुन, तैनू की शर्त माफी मिल सकती है कि अपने दोवें कल फल चमारा कर आज तो कभी तू यह वारदात नहीं करेगी। मैं माफ कर दो दीपू खान जी, मैं कभी किसी ने नहीं मिटांगी। पक्की गल इंस्पेक्टर साहब ऐसी फिर माफ ही कर दी है। ठीक है टीपू खान जी, इन माफ ही कर देने, चल दौड़ जाए तू। जाऊंगी तेरे नाल जाने जाने फिर तड़ी पता नहीं अजकल दिया देखो चिड़िया भरिया सहूलत ने तो इन्हों वारदातें देखो तू इंस्पेक्टर साहब। मैं क्या चोरी हाँ तुम की कहना है अजकल केस किसम के खूबसूरत चोर आए ने दिल करता बंदा लुटदा ही जाए तू गुड्डी है तेरे पले की भी रुटी कर रहे लो जनाब इन्हें दिल करना जी रोटी जन इन तुम बिठा लो गंद इतने से मैं चलना सलाम वालेकुम। ना ना चोरी साहब तो मेरा डिग्री आ गया भी हसन दिया मैनू तो ना ले लिया कितने चले वाह ना ही तुहानू कानून का डर ते ना ही मुआशरे का खौफ इस तो पहला के आवारा गर्दी के जुर्म असी तुहानू थाने लै चलीए तुसी साडे नाल मिल लो। की बकवास कर रहे हो कौन तुसी शरीफ शहरी जे खैरियत चाहते हो तो अपना पर्स ते जो कुछ भी है तुहाडे कोल साडे हवाले कर दो। पीर गुंडा राज साहब वैसे बहुत ज्यादती ये मामला कुछ लैन देन के बगैर खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं तो ठीक है जिवें तुहाडी मर्जी है फिर तुसी गिणना शुरू करो। झूठा किस तरह आई है जी सच मुकद्दर का हिस्सा हो गया भाजी उन्होंने हंस के सहलना चाहिए। अल्लाह भी सलीम तेरिया सारिया दवाइया आ गई ने यह दवाई वाला लगे तो देर हो गई तो डॉक्टर कहता कि तू बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। टीपू खान नहीं है भाजी मेरा मेहमान आपको जिन्हें मेरी जान बचाई सी तुम इन्होंने जानते हो। तेरे सवाल का जवाब मैं देंगा सलीम जिन अलावा के मुसाफिर तेरे वालिद साहब ने ना उन अलावा को आदि जाद्या मेरे में भी बड़ी बड़ी मुलाकात हो चुकी है हैरानगी सिर्फ इस गल की है कि एडे वे सरमाएदार का पुत्र तेरे वर्गा शरीफ भी हो सकता। दीपू खान जी तुम कहना की चाहते हो मतलब ये इस दौर च नेक हालात का होना कोई छोटी गल नहीं है हूं तुहाडे वालिद साहब आ जाने मेरी की जरूरत इंशाला चौधरी साहब की वजह नाल तुहाडी मेरी मुलाकात जारी रहेगी। क्यों चौधरी साहब ठीक है ना और चौधरी साहब की पुरानी आदत है गल सुन के चुप ज्यादा रहते हैं
अच्छा साहब राजा। वैसे अब्बा जी तुसी अपने मुंह नूं चुप दा ताला ला के बड़ी कंजूसी दा सबूत दिता है। तुसी मेरे मौसम का शुक्रिया अदा नहीं किया। तू नहीं जानता सलीम, टीपू खान इस शहर का नामी गरामी बदमाशी, ते बदमाशा नाल दोस्ती करना शरीफा नूं सेब नहीं देंदा। वैसे अब्बा जी जिहड़ी गल तुसी टीपू खान दे मुंह ते नहीं कह सके उहदी कंध पिछे कहना तुहानूं सेब नहीं देंदा। और अगर टीपू खान बदमाश है तो फिर मेरी दुआ है कि हर आदमी टीपू खान वर्गा बदमाश बन जाए। बुराई की शान कसी देना पर सलीम, अच्छाई में पहचानने की कोशिश करो बाजी। इंशाला जिंदगी रही तो टीपू खान का यह एहसान अपने मोहल्ले तो जरूर लवांगा। इंसानियत के नाते एक सफेद पोश लड़की ताड़े को ठीक नहीं, ओ गंत मंदी है जेड़ा हालात ठीक होने तो बाद तानू वापस कर देगी। ले आप रावा पहले तू पड़ा क्या पास छेती छेती करो। हाँ खुदा तानू सारे नू दे बता बता दे। ओ दादी पला शाबाश खैर हमें तेरी। इस पाल वहां की रकम क्यों लूट रही है? दौलत की हवस ने तेरे कोल आने की अकमत क्यों खो ली है? इंसान है मैं छोटी सी इंसान, तेरा क्यों मर गया? मां ने मुशक्कत की चक्की पीस के मैंने बीए कराया। मैं अपने पास होने की खुशखबरी मां ने सुनाना चाहिए पर उसकी मैंने भी अखा बंद कर लिया। मैं डिग्री लेके जगह जगह नौकरी तलाश की थी पर दफ्तर के मालिक डिग्री के बजाय मैंने घूरते सन, सारे मैंने लुटना चाहते सन। इसलिए मैं डिग्री फाड़ के मर्दा ने लुटन का फैसला कर लिया। मैंने इस रात एक तोरण वाले मर्द ने मेरा कसूर है वे कि मैं बेकसूर मां। झूठ बोल के अपने आपा से पर्दा ना पा। जे तू चाहती लोगों के घर च मेहनत मजदूरी करके अपनी औरतन का मुकाम बचा सकती है। घर के मालिक भी मर्द होते हैं पर मैं अपने लिए किसी भी मर्द की अखा च क्या नहीं देखा। ठीक है आज मैं तेन माफ करना। जैसे यह जी कोई वारदात की थी तो टीपू खान तेन कभी माफ नहीं करेगा। चली जा चली जानी पर चाहती बारी एक गल हो सुन। तू पहला मरते जिन्हें मेरी अखा च अथरू देखे ने। चौधरी साहब ये लड़की है? लड़की नहीं एक फितना राणा साहब जिड़ी टीपू खान की नेकनामी अपनी बदनामी की कबर च दफन कर देगी। क्योंकि तुम्हारा बात हमारा समझ में नहीं आया क्योंकि शायद मेरा प्लान है वे कल थाने च एक एफआईआर का इंदराज होगा तो उस एफआईआर का लफ्ज लफ्ज चीका मार के अदालत के कना नूं ऐस लड़की पे टीपू खान के मुजरिमाना हमले की दास्तान सुनाएगा। साडा दुश्मन दो चार साल ले जेल दिया सलाखा पिछे गुम हो जाएगा ते फिर कोई भी फांसी का कैदी अपने बासा नूं अमीर करन लई
टीपू खान मकतूल बना देगा। अच्छा लड़की तू नौ का काम जानी? मैं सिर्फ नौ का ही नहीं छत्ती का काम भी जाननी हूं। आत्मा शर्त हमको पूरा पूरा यकीन है ना लेते जान लड़की छत्तीस दिनों बहत्तर का काम भी जानता है दशहरे में मुंह मंगी रकम देके। ए देखो लो टीपू खान की आजादी खरीद लवो। अपने आप नु कानून के हवाले कर दे टीपू खान। मेरा जुर्म तो दसो इंस्पेक्टर साहब। तेरा वारंट गिरफ्तार है मेरे कोल है तो तेरा जुर्म तेनू अदालत ही दसेगी। हवलदार टीपू खान बात कड़ी ला ले। योना ये बदकारी के मैदान का वो खिलाड़ी है जो नौजवान लड़कियों की इज्जतें अपने पांव की ठोकर में पामाल कर देता है। योना इस शहर की ना जाने कितनी लड़कियां हैं जिनके होंठों पर टीपू खान के खौफ के ताले लगे हुए हैं और उनके बुढ़े मां बाप अपने सिसकी अपने सीने में दफन कर लेते हैं सिर्फ इसलिए योना सिर्फ इसलिए कि ये उन्हें अपने खिलाफ एहतजाज करने की इजाजत भी नहीं देता। जज साहब वकील साहब ने आखो मेरा जुर्म साबित होने से पहले मेरी जात से अपने लफ्जों का चिक्कर ना उछालन। इन्होंने पूछो जज साहब इन्होंने को की सबूत है कि मैंने बदमाश बद किरदार खुलता कह के मेरी पिंस भी कर रहे हैं। अदालत वकील तकासा से सवाल करती है कि क्या वो टीपू खान के खिलाफ कोई सबूत की शहादत पेश कर सकते हैं? सबूत है योर ऑनर बगैर सबूत के किसी मुल्जम पर जुरा करना बेकार है ये बात मैं कानूनदान होने के नाते अच्छी तरह से जानता हूं। आज मैं अदालत में जिस लड़की को बतौर गवाह पेश करूंगा उसके बयान की जरूरत से मुल्जम टीपू खान की फिरौनियत का बुत पाश पाश हो जाएगा। मैं अदालत आलिया से दिसंबर को बतौर गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है? थैंक यू योर ऑनर। दिसंबर आप अदालत के सामने जो भी कहेंगी खुदा को हाजिर नाजिर जान के सच कहेंगे जी। आप ये बताइए 12 दिसंबर की रात जिस शख्स ने आपकी इज्जत लूटी क्या वो यही शख्स है? दिसंबर मेरे सवाल के जवाब में आप मुस्कुरा रही हैं। वकील साहब मेरी मुस्कुराहट के पीछे लुकी हकीकत आ गई कि मैंने आज तो पहला कभी देखा नहीं। यकीन करो जज साहब मेरा इस मुकदमे में कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो चंगी पली कर बैठी सा क्या अदालत से समन आया उन्हें पढ़ के मैं इतने आ गई। मैंने दसो जज साहब परी अदालत बुला के वकील साहब ने मैंने बदनाम करने की कोशिश क्यों की है? अदालत वकील या तकासा से सवाल करती है कि अगर मैं संबर का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं तो फिर इन्हें अदालत में तलब करना इनकी तौहीन है। अगर मैं चंबर चाहें तो वकील साहब पर इज्जत हद तक का दावा कर सकती है। इज्जत हद तक का दावा अहदे से किया जाता है जज साहब जिदा जमीर जिंदा हो। वैसे भी वकील साहब का कोई कसूर नहीं वैसा भी ताकत जब किसी ने झूठ बोलने से मजबूर कर दे तो फिर अहदे उस झूठ नाल किसी बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। टीपू खान बेगुनाह है के खिलाफ जो किया गया है और सब झूठ है झूठ है। मुकदमे की कार्रवाई और मिस अंबर का बयान सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि टीपू खान बेगुनाह है लिहाजा अदालत
टीपू खां को वैसे तौर पर बरी करती है। गुआ बना के सच बोलिया, मैं तेन तेरे सच दिए हो जी सजा दिया, जिन्हों देख के सजा भी अपनी अखा बंद कर लेगी। तो कोई नवी गल नहीं किसी सेठ के बाद, इस दुनिया सच बोलने वाले के सामने तेरे पर के शैतान हमेशा दीवार बने ने। पर याद रख, सच बोलने वाले से मर सकते ने, पर सच कदम नहीं मरिया। अरे तशद्दुद तेन जिंदा लाश बना देगा। जब्बार सेठ जब जुल्म इंतहा से पहुंच जाए तो अंजाम खानन नहीं, हमें इंशाअल्लाह अपने बंदे में भेजता है, समझना है। तेरा अंजाम बन के टीपू खान तेरे छंद में खिलौता है। टीपू खान मखलूक पे खुदा ने जुल्म करने वाले मेरे हथ च पालू दे तो तेरी कंध पीछे सत मंजिला जमीन है, छाल मारे तेरी यह सजा है। I'm not kidding. I'm not kidding. I'm not kidding. I'm not kidding.
खान का चैलेंज का मुंह बोल का सबूत है। टीपू खान चंपार शेख का टांगे तोड़कर समझता है क्या हम उसका सामने घुटना टेक देगा? नहीं 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 राणा साहब, ऐसा कभी नहीं होगा। हम टीपू खान का इर्द गिर्द बारूद का सुरंगे बिछा देगा। हाँ नहीं खान दोस्ता, नहीं। टीपू खान को लो अपनी शिकस्त का बदला, असी ताकत ना नहीं सियासत नाल लवांगे, सियासत नाल। मैं टीपू खान अपनी साजिश की कड़ी लाके उन बेबस से मजबूर कर दियांगा खुदकुशी वास्ते। राजा की आएगी बारात, जंगली वजीरात मजन में नाच आएगी। ओ अमर बेले, ओ मैं क्या एडे पैरे कारिच एडे पुराने कारिच एडा सोना बहुतियां लद पत्ता लैके किधरे मल्ले वे मुंडिया दे चक्कर नहीं देना कोई। देख चक्री, तू तो जानना है, ए पैड़ा जिया मकान ते पुलिस ने चक्कर देनी मिता। ते बाकी रही भी बैठे भी गल, कड़ी दी कड़ी, अपने आप में गोटी दी रूदी ची, देखन में जी जा रहा सी। ओ ए जनानी आलियां गल्ला छाड़ दे, ते कोई कम दा ध्यान कर, किधरे ए ना हो वे, के तू बहुती बनन दे शौक च पागल हो जाए, ते मेरा रोटी वालों भी हाथ तंग हो जाए। तो तू की जाना है? वो दो बड़िया सुथरिया सामिया देख के आ रहे हैं, तू थोड़ी जी किचन टॉच होके उन्होंने कम दिखा देगी ना, तो शादी ठीक ठाक दिहाड़ी लग जाएगी। चकन जब भी मैं टीपू खाने माने लगी हूं, अभी तो मैं कम छन का फैसला कर लिया। ओ की कह रही हैं आप, क्यों खानिया नहीं मेरे को ठापा, इस तरह तो अभी भुखे मर जाएंगे। ओहो चकरी, लड़का क्यों नहीं, एडे वे बंदे की होने वाली दीदी ए कम कर दिया चंगी तो नहीं लगेगी ना? बुरी भी तो नहीं लगती ना, मेरा मतलब है बाजी देखे ना, ये वन वे ट्रैफिक अच्छी नहीं होंगी, तू कुछ इस तरह कर कि मुंडे के घर आना जाना करके ना, तो मंगनी वाली गल कर, इस तरह टीपू खान की नीयत का भी पता लग जाएगा। तो फिर समझ ले कल मेरी भी टीपू खान की मंगनी होगी। अस्सलाम वालेकुम टीपू खान जी। वाह भाई बोतिया, ओ सवेर दा किथे मिलया आ सी यार? जी जनाब, मैं तुहाडा ही काम करन दिया सा। ओ की ए जरा औतर ते वेखो, मेरे वल्ले नहीं ओ क्रिसमस दी पेस्ट्री तुहानू मिलन आई जे। अंबल तू कोई भी सवाल करन तो पहला ए दस
के मैं तेनू कैसी लग रही हूँ? एक तेन पूछने की जरूरत ही पै गई। मेरे सवाल का जवाब है नहीं और बस कि मैं तेन कैसी लग रही हूँ? ओहो खान साहब कह दो चंगी लगनी है। ठीक है इस प्रकार से आज तो मैंने कुछ चंगी लगी। अच्छा तो फिर एवक मेरे को दो मुंडिया ने एक अपनी उंगली पा ले तो दूसरी मेरी उंगली पा के अपनी मंगे पर बना ले। मजाकता ही ना खर्चा। ओहो इना काम तो खर्चा ही होंगे मरी भी तो तुसा ही लैके जाना है ना। वो भी खर्चा पर खर्चे नू गोली मार आप मुंदरी पाने वाली गल कर मैं तो कोई होर पा आ जाए। अनु फर मुबारक हो तेन तेरी भैन मिल गया तेरे को खुद आऊंगा। हाँ ओके खुदा फिर सलीम बेटे। जी डैडी तू क्या सी तुहानू मेरे नाल कोई जरूरी काम है? हाँ डैडी वो दरअसल गल है कि मैनू एक लड़की पसंद आ गई है। ते बहुत अच्छी गल है। उस लड़की का खानदान की है उसकी हैसियत साढ़े बराबर भी है कि नहीं? कौन लोग ने डैडी वो तुहाडी मिल दे सबका मैनेजर अब्दुल्ला। डैडी बड़ा शरीफ आदमी है ते ओदी भैन ते शराफत दी मिसाल है। ठीक है मैंने कोई इतराज नहीं। थैंक यू डैडी तुसी मेरे सिर तो बहुत बड़ा बोझ ला देता है। हाँ सलीम बेटे आज शाम में जापान जान वास्ते तेरी टिकट कंफर्म हो चुकी है। मगर डैडी वो किस वास्ते? नई मिल दी मशीनरी लैन ले वापस आंदी मैं तेरी ते अब्दुल्ला दी भैन की शादी करा देंगा। Oh daddy, you are great. Oh daddy, you are great.
सॉरी सलीम, तू एकदम जापान जान का फैसला क्यों कर लिया? ओहो तू बड़ी बेवकूफ है सुनी, कभी कभी माँ बाप को अपनी गल मनानी उन्होंने कहना मनना पैंदा है। वादा कर सलीम तू जल्दी आएगा ना? वादे की की लोड़ है, जिथे दिल हो गए जिसे मापे आ पहुंचता। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा चौधरी साहब की गल है, तो तेरी शक्ल से बारह क्यों बज रहे हैं? सुना बाल बच्चे तो सब ठीक ठाक है ना? राणा साहब तुसी तो चंगी तरह जानते हो, मेरा एक एक पुत्र है, देव भी चंद दिन ले पार चला गया है, ते जान दी वारी मैं एक प्रॉब्लम का शिकार कर गया है। ओह ओह भाई बैठो, नो प्रॉब्लम, तुसी प्रॉब्लम दसो असी हल कर देंगे। ओए साडे होंदिया साडे यार नु प्रॉब्लम होवे ते लख लाना ते साडे सारे आते, ओए तू प्रॉब्लम ते दस। राणा साहब सलीम ताड़े साबे का मैनेजर अब्दुल्ला दी पहना शादी करना चाहता है, ते तुसी ते जान दे हो मैं किसे थर्ड क्लास बंदे नाल रिश्तेदारी नहीं जोड़ सकता। तुसी फिक्र ही ना करो चौधरी साहब, दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम, दिस इज माय प्रॉब्लम। तुसी एक काम करो कि अब्दुल्ला ते उदी पैन नु गोदाम नंबर 6 च बुलान दी ज़हमत करो, बस बाकी दा काम मेरे ते छड़ दियो। मेरे पुत्र सलीम का प्यार अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच जाएगा, दिस इज माय प्रॉमिस। मैनू इतने बुलाने का मकसद की है राणा साहब? जब कोई वाकफकार रिश्तेदार बन जाए तो फिर उन्हें सवाल जवाब करने का कोई हक नहीं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझे। मतलब है वे अब्दुल्ला तेरी भैन सोनी साढ़े चौधरी के बेटे सलीम के दौरे पाके तेनू अमीर करना चाहती है, तेनू कोई एतराज तो नहीं? अगर सलीम चौधरी का पुत्र है तो मैं अपनी भैन नू जहर दे देंगा, पर किसे मुल्क दुश्मन नू अपना रिश्तेदार नहीं बनावांगा। ला तू एक खैरतमंद आदमी है, इस वास्ते इधर आने से पहले हम सोनी को इधर लेकर आ गया ताकि बहन का बेबसी देखकर तू अंदर का शरीफ आदमी जाग उठे। अब्दुल्ला बोल दुश्मन ते तू मैनू बढ़ाई देता है, हम अपने हाथी अपनी भैन नू गोली मार, मैनू भी यकीन आवे कि जो तू कह रहे हैं सच कह रहे हैं। जबरू सोनी नू लिया सोनी चौधरी साहब देख लेता ही भैन पराए च कितना प्यार है। नहीं रवेगा राणा साहब, नहीं रवेगा। हो मेरा बात मानो ना दीदी जान, हम सब एक रात का वास्ते सोनी को दुल्हन बना लेता है। तू ठीक है समत खान, आज असी उस नुकसान नु वक्त की तकड़ी छपा के तेरी इज्जत नाल तोलांगे, फिर इनू साढ़े इंतकाम का वजन पूरा 10 किलो नजर आएगा। खैर तो मैं तुहाडी गंदी सोच नू तुहाडे नाल जमीन च दफन कर देंगा।
मौत को हाथ छुड़ा के जान वाले इस बदनसीब नो तो घड़ी और जिंदा रहने का मौका दियो। चलो खेड़ के अपनी बहनों दुश्मन को बचा ले और खुदा तुम्हारा तेरे सुपुर्द कर लो। एक बदमाश से मर गया थे अपनी इज्जत का पालना पाप बुला लोग कहेंगे मासूम के बदमाश बड़े बे तुम्हारे होंगे मेरी अखा ने तेनो फरिश्ती के रूप चुए के हो सकता है मेरे बाद दुश्मन के हाथ मेरी आबरू तक पहुंचा। यकीन है टीपू खान की छत तले अब्दुल्ला की गैरत नो सत्ते खैरा में जो तू एक बदमाश तो शरीफा को बद मांग कर ही बैठे अब्दुल्ला तो फिर रब जी सौ अब्दुल्ला टीपू खान तेरी इज्जत की हिफाजत अपनी जान को भी बंद करेगा। टीपू खान तो मैं सुकून में मर सक बुखार सोनी साढ़े हवाले करते देख ले असी ए प्राण नु मार दिता हूं जे एदा कोई हमायती बढ़िया ते असी उन्हें भी मार देंगे। तेरे मुंह जो अब्दुल्ला के कत्ल का इकरार जुलम तो बात पार्टियां लाशा बिछाना टीपू खान ते फस हो गया हमारा सेठ कुछ लाले की जान अपना कीमती जान को इस दो पैसा का चौकड़ी का ऊपर कुर्बान मत करो। हम लोग को गौर से देखो आज हम इंसान नहीं वो शैतान बन के आया है शैतान। साडिया अखा इस खून का दरिया वेख के समझ जा टीपू खान असी सोनी नु ले जाना है इस तो पहले कि असी तेरा भी झटका कर दईए सोनी नु साडे हवाले कर दे। मरण वाला स्वामी ने बतौर अमानत मेरे को छड़ के अगले जहान तुर गया इस नयोगी इज पहचान की खातर टीपू खान ने ताजे भर के सौ शैतान भी मारने पे रब की सौ मार दियांगा सानू जान बचा के नुकसान नहीं दियांगा। मिस्टर टीपू खान दाना सेठ के उसके दोस्तों की मौत तेरा ख्वाब है जिदी ताबीर वेखन तो पहला असी तेरी जिंदगी के ताबूत आखिरी किल ठोक देंगे। चल हेलो हां जी जिंदगी मौत का फैसला रब करता है जे तुसी नमरूद शुदा ते कुरान पढ़ के मेरे सामने आ गए हो
बेवकूफी साहब, आज तुम हाथ सच का नजारा जरूर करावांगा। खान दोस्ता, आज मैं अपनी सोई थी पटारी खोल के अपनी साजिश का सब तो जहरीला नाग छड़ांगा। जो नाग साढ़े दोस्त लड़ेगा ते वैर साढ़े सब तो प्यारे प्यारे दुश्मन टीपू खान नु चढ़ेगा। लड़ेगी जान तेरा शैतानी खोपड़ी का जवाब नहीं, ही गुरी तू निशान। खबरदार हवलदार, ये तूफान रात गड़ी लाल है। तूफान अंदर चली जा सोनी, मैं तू अंदर चली जा।
पिंजरा तोड़न लई जान पहली से रखनी पैंदी है इंस्पेक्टर। जदों किसे नूं जान ते खेडण दा बल आ जाए तां उहनूं कोई कैद नहीं कर सकता। पुलिस, ओह मैं क्या अद्धी रात नूं चीका पई मारनी है, कोई हवाई शहर ते नहीं चमड़ गई? ओह की होया तैनूं? ते होणा की है, मैं ते टीपू खान नूं जेल च आजाद करा लिया सी, पर पुलिस ने सानू दोवां नूं मौके ते फड़ के गोलियां मार दित्तियां। गोलियां मार दित्तियां? ओ शुक्र है तू तो ठीक है, पर मैं क्या टीपू दी लाश कित्थे? ते खाद च, खाद च, खाद च। शुक्र है, मैं ते सवेरे जाके ना ते पुलिस दा शुक्रिया अदा करांगा कि जनाब बड़ी मेहरबानी। देखो ना, जे पुलिस तुहानूं मौके ते ना फड़दी हैं ते खाद विच कुछ भी हो सकदा सी। मजाक ना कर चकरी, तू दिल दिया लगिया नहीं क्यों जाने? ओ मैनू चिट्ठियां लगिया तो फुर्सत नहीं मिलदी, मैं दिल दिया लगिया की जाननिया ने? ओ चुप करके सो जा, सवेरे उठ के बड़े काम करने ने। दुआ कर चकरी, खुदा मेरी टिप्पू ने हर बला तो महफूज रखे। बूटिया जी। जनाब सोनी ने कचहरी लाके क्यों आया? गुजारा शेर है, सोनी ने मैं मजबूर ही इना कर दिता कि तेरा नंबर वैगन से भुड़क के बह गई, तो मैं मजबूर इन्हों इतने लैके आना पाया। सोनी सानू इतने नहीं सजाना चाहता। तकदीर ने मैंने तेरी जिम्मेदारी बना दिता है, असली तेरा मुलाकात करना मेरा भी फर्ज है। देख ले तेरी पत्नी से बिना परछावा तेरी नसीबों में काला कर गया है। दुख ते मुसीबत जवानों का जेवर होंगे सोनिए, तू घर जा ते रब को दुआ कर, सब ठीक हो जाएगा। घबराने वाली कोई गल नहीं भैना, इंशाला अल्लाह ने चाहा ते अगले महीने की पहली पेशी पे साडा शेरे बबर रिहा हो जाएगा। सब तेरी जबान मुबारक करे बूटे। ये खबर ले आया हूं वकील साहब, अब मकतूल चौधरी अला बख्श की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है राणा साहब। रिपोर्ट के मुताबिक वारदात जरा असला टीपू खान ने इस्तेमाल किया सी, उदिया गोलियां उस मकतूल के जिस्म चो बरामद नहीं हुई। वैसे मैं खदशा है राणा साहब, अदालत बलवा बना के टीपू खान अगली पेशी से बाइज्जत बरी कर देगी। कोई खुज खुज खुज, तुम क्या बकवास करती काफिर का बच्ची, तुम्हारी असवार नहीं खाई, वो अगला तारीख के ऊपर बरी हो जाएगी तो हम सबका वास्ते अजाब बन जाएगी लाले की जान। और सजा में उबालन लई सानू अपने साजिश का कोई नवा चाल बिछाना ही पवेगा। तो जब्बा ठीक आपका दिमाग? जब्बा ठीक कहता है खान साहब। बहस तो पहला टीपू खान मौत बन के साढ़े दरवाजे तक पहुंच जाए, असी उसकी मुलाकात ले जेल जावांगे। Thank you.
मेरी अखा च निकलन वाली नफरत की लाड़ दसती है कि तेनू साडा मुलाकात ही बन के आना चंगा नहीं लगा। मतलब की गल कर राणा सेठ, इतने किने आया लाले जी जान? तू जब्बार का जिंदगी को अपाहत करके हमारा एक साथी चूड़ी का कातिल बन गया। हमारा खुलूस का दाग तो नहीं आ रहा कि हम जीव का अंदर बंद दुश्मन का साथ भी दोस्ती का हाथ मिलाने को आया। एक मुसलमान की मुनाफकत न दुश्मनी तो हो सकती है, दोस्ती नहीं। टिपू खान, असी तेरी हर जाति माफ करके तेरे कोल आया, खुद सानू मायूस ना कर। खता वार की बख्शिश करने वाला मेरा सोना रब दे, जो किसी सोच की आयो और टिपू खान कभी नहीं कर सकता। समझने की कोशिश कर टिपू खान, ये तू साडा बाजू बन के सादी सोच की राह का मुसाफिर बन जाए, रातों रात इस शहर का अमीर तरीन आदमी बन सकना है। लालच के हफ्ज के काफले ना दो कदम चलने वाले का नसीब जो जुख हों, इस लिए मैं साडा साथ कोई तो इनकार करना। लाले की जान, लगन मान, इनकार करने से पहला अच्छी तरह सोच ले कि जब तुम्हारा ये इनकार तुम्हारा वास्ते पछतावा न बन जाए। यारा दौलत में ठोकर मारना मेरा शौक है समत खान, इसलिए पछतावे से परछावे ने कभी मेरी सोच पर वेड़े च जाती नहीं मारी। लगता है ईमानदारी दे दूत ने तेनू पूरी तरह काबू कर लिया है। याद रख, साजिश की गोल मिलादी का और चबूतरा है जिसे तेरे वर्गे सिद्धी खेल चुका के बिक जाते ने। मत सारी जिंदगी असूलों की जंग लड़िए, लालम मेरा सिर कट्टे फटते ने और चुका नहीं हटते। टीपू खान, तेरा सिर किवें चुकता है ते हूं राणा सेठ की ताकत दसेगी। टिपू खान, राणा सेठ नु इनकार करन दी वजह नाल तेनू ए सजा मिल रही है, हुन भी उन्हां दा बाजू बन जा, तेरी ये सजा रुक सकती है। नहीं सारा तशद्दुद भी टिपू खान ने इनकार की कंध किसी करार की कोई खिड़की नहीं खोल सकिया। राणा साहब कुछ बोलो ना राणा साहब, अब तुम्हारा क्या फैसला है? मेरी सोच के तर्कश हले एक तीर बाकी है समा खान, उस तीर का नाम है सलीम। हुण असी अपनी साजिश की बंदूक मोढ़े रख के चलावांगे।
मैनू यकीन है कि टीपू खान से सलीम साढ़े वार का शिकार बन जाएंगे। डैडी अंकल राणा साहब ऐसे कुछ किए अंकल तुसी रोए जा रहे दस क्यों नहीं छोड़ा किए सलीम बेटा तेरा बाप क्यों आया बजी बेटा जी तुम यतीम हो गई तेरा बाप अल्लाह ताला को प्यारे हो गई चौधरी साहब को मरा हुआ पूरा तीन दिन हो गया जी करदा असी सारी हयाती अपने यार दी थूड़ी से बैठ के गुजार लीए तेरे सीने में लग जा पतीजे उची उची लो के अपने बाप के कातल का ना एदे को पूछ ले किसी ने दसो ना साहब मेरे बाप तक कातिल कौन है कातिल नु ते असी मार देना सी पर कानून का पिंजरा ओदा मुहाफिज बन गया ते असी बस भी हो गया ते बेबस भी पर मैं बेबस नहीं दाना साहब मैंने मेरे बाप के कातिल का ना दसो मैं उन्हें जिंदा नहीं छड़ूंगा कलेजा का ऊपर हाथ रखकर सुनो बेटा जी तेरा बाप कातिल का नाम तेरे मेहमान है टीपू खान है टीपू खान टीपू खान तेरे प्यो नु टीपू खान है बड़ी बेदर्दी ना मारे है साढ़े को वेख्या नहीं गया वेख्या नहीं गया भतीजे कल अदालत इस मुकदमे की आखिरी पेशी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और मुकदमे की कार्रवाई सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि टीपू खान ने मुक्तूल चौधरी अला बख्श को कत्ल नहीं किया लिहाजा अदालत टीपू खान को बाइज्जत बरी करती है टीपू खान क्या आपने मेरी सलाह सुनी कातिल तैनू वेख के समझ आ गई है कि बजाय कतल तू है मैं तेरे प्यो का कातिल नहीं सलीम मेरी सच्चाई का फैसला अदालत कर चुकी है कबार तेरे खौफ को चुप हो गए होंगे पर मैं अपने बाप का खून माफ नहीं कराना नहीं सलीम नहीं तैनू किसी ने गलत दिखा है तेरे प्यो का कातिल टीपू खान नहीं अपने यार नु बचाने लिए झूठ बोल लिए मगर टीपू खान तीन ये शक किया
माता ने उनकी सजा जरूर दिया। अपनी अखा के नाल टीपू खां के हथों सलीम नूं जख्मी हुंदिया वेख के आया राणा साहब, तो मैनू पूरा यकीन है सलीम का बचना बहुत मुश्किल है। इहदा मतलब है कि चौधरी के बाकी शेयर ये नवे प्रोजेक्ट की बाकी मशीनरी के मालिक असी तीनों बन जावांगे। नफरत में मूना फिर सलीम, तेनों मेरे ते गलत शक हो। मैं शक नहीं यकीन है, तू बेवफा है, हट जाइए। इंतजार सलीम, नहीं तो मैं फस जाऊंगी। मरिए तो मर जा, पर याद रखी मैं अपने बाप के कातिल टीपू खान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टीपू खान तेरे बाप का कातिल नहीं, अगर उन्हें तेरे बाप ने कोई जातीय दावत होंगी तो तेरे बेहोश होने के बाद तेरी अख टीपू खान की छत थले कभी भी ना खुलती। तेरी वकालत टीपू खान मेरी नजर इस बेगुनाह साबित नहीं कर सकती, और एक कातिल है, बदमाश है सलीम। लोग बदमाश जरूर कहते हैं, पर यकीन कर ना ही मैं बदमाश हाँ ना ही तेरे प्यो का कातिल। ऐसे ही कह रहे हैं सलीम, तेरा पाप तेरे जापान जाने के बाद मैंने तेरे में प्यार करते जुर्म खत्म करना चाहता सी, पैसे बच गई तो तेरे पाप ने मेरे प्यार में कत्ल करा दिता, और मरते मरते तभी इस अजीम इंसान के हवाले कर गया जिन्हें लोग बदमाश कहते हैं। रिश्ता समझ नहीं आ। अगर है सच है तो फिर मेरे बाप का कातिल कौन है? तेरे बाप के कातिलों ने पहचान लिया सलीम। मैं तेरे ना वादा करना कि अपनी खुशी का जश्न बहुत ही देर नहीं मना सकते। Oh,
का तशद्दुद मैं कृत याद है तुम्हारी मेहरबानी तो हम मौत को बचन की कोई सूरत है कि अदालत चल के चौधरी अला बख्श के कतल का इकबाल जुर्म करो ताकि सलीम तुम्हारे बयान चेहरे नजर आ सकन ते कानून तुम्हें फांसी दे सके। टीपू खान असी सरमायेदार भी हाँ इस मुल्क साडा असरो रसूख भी है जेल शायद तेन साड़ी गल समझ नहीं सी आई इसलिए असी तेन एक चांस होर देने दोस्ती कर ले साडे नाल जय शताना नाल दोस्ती वर्का पुस्तक से बेगैरती कर सकता है ते रही दूसरी सरमायादारी असरो रसूख की गल तेना दो हथियार कोई बेसमीरा कानून तो नहीं बिक सकता है। टीपू खान नहीं हूं मैं तानू कानून के दरवाजे से जिंदा नहीं लाशा लेके जावांगा। जिसम अपाहज हो गया है। टीपू खान ने जब्बार का कत्ल करके साडे गुरूर वाले मुंह से अपनी जुल्म की चपेट मारी है। नाना साहब कुछ हम भी पठान का बच्ची हम अपने दोस्त का कत्ल का इंतकाम टीपू खान से जरूर लेगा उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। तू ठीक कहना है समद खान और टीपू खान का जिंदा रहना साढ़े लिए बहुत बड़ी जिल्लत है। जबार के कत्ल का बदला मैं टीपू खान को बड़ी छेती लवांगा बड़ी छेती। डॉक्टर पोस्टमार्टम तो पहले असी अपने दोस्त की लाश को अपने नाल ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर डॉक्टर जिनने मुआशरे चो तुहाडे वर्गे नाल सूर कट्टन का फैसला कर लिया शुक्र करो तुहाडी मेरी मुलाकात अस्पताल च हुई है जिससे मैं तुहाडी मौत लई बरूद चला के बेगुनाह मरीजा नूं परेशान नहीं करना चाहता।
पर एक गल याद रखना है, जिस गोली से तेरी मौत का नाम लिखा हुआ है, मेरी मुलाकात हुई तो मैं उस सामान को तेरे सीनियर से दफ कर दूंगा। टिप्पू खान, तेरी मेहरबानियों ने मैंने मुल खरीदी है, समझ नहीं आती तेरे एहसान का बदला किस तरह चुकावगा। एहसान लान का तेरे को एक मौका है सलीम, बस जरा हालात ठीक हो जाते फिर मैं अब्दुल्ला की अमानत हमेशा ही तेरे नामे ला दियांगा। चाहो आराम कर। मैं क्या सी ना सलीम कि टिप्पू खान सामने फरिश्ता है, जो टिप्पू खान आऊंगा तो शायद अस कभी भी ना मिलते। हूं अस कभी भी नहीं विछड़ा। Bye.
पता लगा है यहां चेवर की काली कंपनी के हिस्सेदार तुम भी हो सुने राणा के समस्त खान कितने ने टीपू खान जी साढ़े दो दिया अखा नहीं हो जान जे सानू ए पता हो कि दोवे लांटी कितने ने टीपू खान साहब गुस्सा जान दियो दाने वाला बिल्कुल ठीक है असि उन्होंने कुत्तिया कमीनिया तू बिल्कुल बेखबर हाँ याद रखो उन्होंने दोवा पगौड़िया लपन लई टीपू खान की अख पताल तक नजर जरूर मारेगी राणा साहब ने इतला फौरन देनी चाहिए बिल्कुल ठीक चल चलिए आ चलिए असि दोवे बड़ी मुश्किल उन्होंने को बच के आए नहीं तो उन्हें साजे भी चटका कर देना सी उस आफत को बचने की कोई स्कीम सोचो राणा साहब नहीं तो उन्हें अपने इंतकाम की कड़ाई सानू सारू चाणे वागू भुनतेगा वह मौत बन के साढ़े पिछे पिछे आ रहे थे एक होर नवे खतरे वाली गल सुनो राणा साहब कल सवेरे 10 बजे चौधरी का पुत्र सलीम अपने दफ्तर चे खिलाफ मीटिंग कर रहा तो वो ये बिल पास हो रहा है कि वो ताकि सारी जायदाद से कब्जा करना चाहता है कुछ ही राणा साहब ऐसा लगता है सुबह 10 बजे वाला मीटिंग का अंदर सलीम तमाम शेयर होल्डर्स के सामने हमारे नंबर दो का कारोबार को नंगा कर देगा तुम हंसते है वो तुम हंसता ही है ना इधर हमारा जान जाता है गल ही हसन वाली है खान साहब वो इसलिए कि कल ठीक 11:30 बजे RSJ कंपनी के ऑफिस एक जबरदस्त धमाका होगा जिसकी गूंज सारा शहर सुनेगा ओ है कि कह रहे हो राणा साहब अपने मरवाना चाहते हो उस मीटिंग से अभी दोवें शुमार होवे तेन नबी का वास्ते ही अभी इस दुनिया से साडा दाना पानी होर है पर तू तो मरने तुरिया सानू मौत तो बड़ा डर लगती भाई यार सानू माफ कर दे तुसी फिक्र ना करो तुसी ठीक 11:05 उस मीटिंग हाल नु छड के बाहर आ जाओगे जे तुसी अपनिया घड़िया ठीक ना कीतिया तो तुहाडे नाल मुलाकात दोज़ख च होवेगी अज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाने का मकसद है कि असी कंपनी के अकाउंट ते कंपनी के माल की सप्लाई ते कड़ी नजर रखिए ताकि सानू यह पता लग सके कि राणा ते समद की बेईमानी किस हद तक प्रवास कर रही है उन्हें दी बेईमानी जालसाजी ते धोखाबाजी कंफर्म होने तो बाद उन्होंने खिलाफ असी एक्शन ले सकिए क्यों शेराजी साहब जी क्या जी सलीम साहब हाई कोर्ट च रिट इस गल का सबूत है वो लोग बेईमान ने तुसी बिल्कुल ठीक समझो आज दी मीटिंग यह तय पाया कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद राणा ते समद के बारे च असी कोई कानूनी कार्रवाई कर सकन बहरहाल नवी मशीनरी के बारे च रिपोर्ट आ गई है तुसी इहनू पढ़ के अपनी राय मैनू दसो राजी साहब किधर जा रहे हो दरअसल गल है सलीम साहब 11:30 बजे से दोवानी गाजपुर मिलना बस अस रुक नहीं सकते प्लीज शेराजी साहब जमाल पता करो किधर गए ने दसो केड़ा खौफ है जोड़ा थोड़े पिछे मौत बन के नस रहा है ऐसी तो कोई गल नहीं टीपू खान दरअसल मैं तो दाने वाला जॉगिंग कर रहे क्यों दाने वाले जी शिराजी साहब ठीक कहने टीपू खान साहब जी झूठ कह रहे हैं टीपू खान जी सलीम साहब की मीटिंग चो अचानक नस के आ गए ने सलीम साहब बड़े परेशान ने
मीटिंग विचों नसन दी असल वजह तो सोए नहीं तो मैं तंगी तो आऊं जी पीछे बन के सारे शर्त चलो लगा बस सोए जुलम ना करी टीपू खान मैं तेरे गात छोड़ना दरअसल ताजा हवा मेरी तो दाने आड़ भी कमजोरी है फिर अच में धरती है कमजोरी दूर कर दियांगा नहीं गोली ना मारी टीपू खान छेती दसो सच की है सच गल मीटिंग वाली मेज थे बंब फिट ते बंब साढ़े ग्यारह बजे चल जाने साढ़े ग्यारह बजन सिर्फ दो मिनट बाकी थे टीपू खान नहीं सलीम साहब रहमत का फरिश्ता कहो जिन्हें साढ़े साथ दी जान बचाई है जान बचान वाला मेरा सोना रब है पर जे राणा के समाज की साजिश का धमाका हो जाता तो आज तुहाडे विचों कोई जिंदा ना रहता पर मैं आज तो बाद राणा के समाज की जिंदगी के इर्द गिर्द मौत का दायरा तंग कर देंगा जेड़ा सजना का राज दुश्मन के कल तक पहुंचाए उन्हों की सजा आनी चाहिए खान साहब ऐसा लोग तो नहीं मुखबर होता है राणा साहब और मुखबर का सजा तो तुम बहुत अच्छी तरह जानता है हाँ बहुत अच्छी तरह जानता है असी लोग मुखबर नू गद्दार कहने हैं गद्दार ते साड़ी लाल किताब विच मुखबर दा जिंदा रहना लिखिया ही नहीं तुसी दोवें टीपू खान नू तमाके दी खबर सुना के अपनी जिंदगी दे खाते ते मौत दी मौल ला दिती है सदा है सिर्फ मौत 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 लाले दी जान खुद टीपू खान का बच्ची हमारा हर प्लान से टकरा जाता है और उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देता है इस चूहे का माफक जिंदगी गुजारने से तो बेहतर है या तो हम मर जाए या टीपू खान को मार दे तू फिक्र न कर समा खान आज तो बाद साढ़े सब दुश्मन साड़ी साजिश के दायरे च आके दम तोड़ देंगे वक्त की जिम्मेदारी का पार जेड़ा मेरे मुर्गे के पार क्या सी पार में तेरे मुझे दे पाके सुख का सांस लेना चाहना है यार मैं सोचिए अब्दुल्ला भी पैर में तेरे ना टोरन तो बाद दुश्मना नाल मैदान लांदर ही समाध आ जाएगा क्यों तेन को ये इतराज नहीं 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 मैनू की इतराज हो सकता है जो तुसी कहो मैनू मंजूर है फिर परसों तेरा ते सोनी का निकाह है मैं नेक काम च देर नहीं कर सकता अच्छा मैं हूं चलना बैठू ना कुछ ठंडा गर्म तो पीते जाओ नहीं दोस्ता थले जीप च पूछता से अंबर मेरा इंतजार कर रहे हैं नाले में सोनी की कुछ जेवरात भी खरीदने इंशाल्लाह मैं अब्दुल्ला की भैन इस शान और शौकत ना रुखसत करांगा कि लोग उन्हें लावारिस समझन तो इनकार कर देंगे रब रखा रब रखा जल्दी आ सोनी
की गल है सली? सली, मैं तेरे से खुशखबरी लेके आया हूं। छिपरा बस की है? उन्हें मेरे को टीपू खान दफ्तर आया थी। परसों तेरा ते मेरा टिकावे। देख ले सोनी, चश्मे सच्चे हो ते तकदीर भी मेहरबान हो जाती है। मेहरबान हो जाती है, पर दुश्मन जिंदा होवे ते तकदीर बदल के रख देता है। आई एम सॉरी, जब तक असी जीवदे आ तुसी किसे खुशी का मुंह नहीं देख सकते। भतीजे, खुशी राणा साहब ठीक बोलते। हम दोनों का शक्ल गौर से देखो, हम दोनों जैसा कमीना दुनिया का अंदर आज तक पैदा नहीं हुआ। हथो चले जाए, नहीं तो सोनी के हथे से लगन वाली मेहंदी का रंग थोड़े खून नाल होर गुणा कर देगा। और खान साहब, कितने बेवकूफ है ये, वो सूरज सिर पे खलोता है, ये दिन ख्वाब देख रहा है। ओए ना बनन वाले ला रहा, ओए दे हथा से मेहंदी लगेगी ते रंग चलेगा ना, ते नाले बहुते फरिश्ते के सामने एना उच्ची नहीं बोलेगा, उन्हें गुस्सा आ जाता है। ए ओए खरसुईया खरसुईया, उस जनानी का ऊपर हाथ मत उठा। ओए राणा साहब, वो पठान जनानी का ऊपर हाथ नहीं उठा था। जी जनाब, मैं क्या भैन सोनी के हाथ पीले करन तो बाद अपने भी दो कलमे पढ़ा लै, अजकल बारिशा हर रोज हो रही ने इथे। वैसे सलाम से चार जायज ने। अंबर नहीं, अंबर नहीं, अंबर नहीं, सावा की सांस के तोड़ी अंबर, अंबर नहीं। अर्शाद इन्हें सके थे बुखा राजा जरूर मिला के, जरूर मिला के। अंबर जालिम का बच्ची खेलू ना करती। नहीं समाद खान, नहीं, ये जुल्म है, मेरे को जुल्म नहीं वेखिया जाता। फुला वर्गे लड़का ये लुड़की नू इस तरह बेबसी की मौत मारना, वो बहुत बड़ा जुल्म है। वो समाद खान, आखिर तू मुसलमान का बच्ची है, वो कुछ खुदा का खौफ करो ना। राणा साहब, तुम बिल्कुल ठीक बोलती, बिल्कुल ठीक बोलती। हम सब का सब जालिम का बच्ची है, वो खंजीर का बच्ची है। हमसे इन दोनों का ये हालत बिल्कुल देखी नहीं जाती राणा साहब, बिल्कुल नहीं देखी। हौसला करो समद खान, हौसला करो। अरे मैं भी हूं, देख ली तई सलीम, मैं ते समद खान किने रह दिला। ओए तू ही कुछ खुदा का खौफ कर, अपनी ते सोनी दी जवानी ते तरस खा, ते इना कागजा ते ते बाकी शेयर दे कागजा ते दस्तखत मार दे। तू देखो ना, ये सब कुछ तेरी जिंदगी तू ज्यादा कीमती ते नहीं, दस्तखत नहीं करेगा ते मैं तेरी इना अखा दे सामने तेरी इस प्रॉपर्टी ते दस्तखत कर देंगा। तो
दुनिया की दौलत प्यार करने वाले की ठोकरा चाहती है। मैं तुम अपनी दौलत देखे साढ़े हाथ और मजबूत नहीं कर सकता। ओ लाले जी जान, लाले छोड़ू, इधर साइन मारो। ये राणा साहब है ना, ये बड़ा कुत्ती जी है, ये बड़ा चकमाती और वो नहीं करती। हाँ थोड़ी हर धमकी मेरे इरादे की चट्टान में टकरा के पाश पाश हो जाएगी, पर मैं तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हो जाएगा। ओ भतीजे, तुम बिल्कुल बेअकल है बच्चा, तुम्हारा दिमाग का अंदर वट्टा है वट्टा। वो समझ खान, चुप कर जा, इस बेवकूफ के बच्चे को मत समझा। मैनू यकीन है कि तुम भूख से प्यास की अजियत तेनू 24 घंटे के अंदर अंदर तेरी तनी हुई गर्दन साढ़े सामने चुका देगी। मेरे 2 फुट पानी वास्ते साढ़े पैर चूमेगा, फरियाद करेगा, चीखा मारेगा, पर उस वेले अभी कना च उंगलियां दे के कुछ नहीं सुनांगे। ओ लाले जी जान, कुछ पढ़ो और डूब का अंदर सड़ो। आओ टीपू खान जी, टीपू खान जी, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी बुरी खबर लेके आया। शेर की बकवास कर, राणा तो सुमत खान सोनी तो सलीम वाह करके पता नहीं कितने ले गए। नहीं फूटिया नहीं, ये नहीं हो सकता। बस सोए राणा के सुमत खान कितने बोल, नहीं तुम्हें गोली मार लगा। नहीं गोलियां मारी मैं तो सुना हूं, सुमत खान की राणा साहब उन्हें दोनों चलावा की जंगल में ले गए हैं। मिर्चा पाके नर जाओगे, वो ये नहीं सोचा कि आगे फंस जाओगे। तू समझा ना समझ खान, खोचे भतीजे तुम को बेखबर समझकर भागने की कोशिश करती। राणा सेठ और समझ खान वो भूत है जिनका आंखें आने वाले वक्त का तस्वीर पहले से देख लेती। ओ समझ खान छोड़ फजूल गला दो, काम की गल कर। धोनी भतीजे इन्हों कागजा से दस्तखत कर दे, नहीं तो तेरी लाश नू इस जंगल के गीदड़ी खाएंगे। नहीं
मैं साइन नहीं करा। मेरा जान बेटा, मान जाओ ना इसका बाप, इसका ऊपर साइन कर दो और अपना जान बचा लो लाले दी जान। मेरा इनकार इकरार इसने बदल सका। ठीक है, तेरी जीत का ताला तोड़े ले, सानू तेरी अखा के सामने सोनी नू कपड़े आदि कैद तू आजाद करना पड़ेगा। टाइगर दस तक गिनती मेरा यार समत खान गिनेगा। जे तेरी अकल वापस ना आई तो फिर सोनी नु बेआबरू हो तू कोई नहीं बचा सकता। एक दो मन गया इंसान का बच्चा। काश काश हर बंदा दिल्लत का डंडा खान तो पहला तेरी तरह समझदार होता तो फिर सारे बिगड़े हुए काम सुधर जाते। जा जा हम तू सारी कह तू आजाद है हूं अच्छे बच्चे की तरह इना कागजा से साइन मार दे छेती छेती। उस तो बाद लुटिए जमाने पा क्या बात। समत खान मेरा काम से खत्म हो गया और तेरे दिल च कोई बड़ा सोवे तो कट ले। तालिम का बच्चे तुम कितना बड़ा बेवकूफ है। तुम अगर इसका ऊपर दस्तखत न करती तो थोड़ा देर और जिंदा रहती। हाँ मरण लई तैयार हो जा और इसलिए हूं तुम साढ़े लिए बिल्कुल बेकार हो। और मेरे चमकियो मेरा खर्चा बताओ इना दे कफन दफन का बंदोबस्त करो तो इन्हों बड़ी इज्जत एहतराम नाल गोलियां नाल पुन दियो।
की अदालत देगी और उसके कत्ल का बदला उसका बेटा जरूर लेगा। मेरी जान नहीं हाजिर है। हेलो तुसी अपना फर्ज पूरा करो। टीपू खान, टीपू खान। सलीम मैं अब्दुल्ला की अमानत तैनू हमेशा नहीं दे चलिया यार। Thank you.